नमस्कार, मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसे। आज मुद्दा है पंचायत चुनाव, लेकिन बात करेंगे इसे लेकर राजनीतिक दलों में शुरू हुई पंचायत की। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई। आयोग की घोषणा के ठीक एक घंटे बाद बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की और कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने महाविजय का संकल्प दोहराते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदर्श पंचायतों के लिए 15 लाख से लेकर 50 लाख तक के 3 पुरस्कारों की घोषणा की और निर्विरोध सरपंच एवं महिला सदस्यों की नियुक्ति पर 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक का इनाम देने का ऐलान किया। इस पर कांग्रेस तंज कसते हुए बीजेपी को डरा हुआ बता रही है। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम की घोषणा को असत्य करार देते हुए दावा किया कि जब दिग्विजय सिंह सीएम थे उन्होंने निर्विरोध पंचायतों को इनाम देने सर्कुलर जारी किया था, जिस पर शिवराज झूठी बाबाई लूट रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि शिवराज की यह कोशिश समरस पंचायत का सपना साकार कर पाएगी और क्या इससे पात्र जनसेवक ही आगे आ पाएंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू हुई इस पंचायत पर हम पंचायत शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। तीनों चरणों की निर्वाचन सूची का प्रकाशन एक साथ होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त वसंत प्रताप सिंह ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव की अधिसूचना कलेक्टर 30 मई को जारी करेंगे। पहले चरण का मतदान 25 जून को, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। प्रत्याशी 10 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। प्रथम चरण की मतगणना 28 जून को ब्लॉक स्तर पर होगी, दूसरे चरण की मतगणना 4 जुलाई और तीसरे चरण की मतगणना 11 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक हर मतदान केंद्र पर मतगणना होगी, लेकिन परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। 30/5 को सब जगह निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होगा, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जब प्रकाशन करेंगे उसमें स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन होगा, कहां कहां क्या क्या आरक्षण है, और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन होगा। जब कलेक्टर चुनाव का प्रकाशन करता है तो ये 3 काम उसे करने होते हैं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 6 जून है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। संवीक्षा 7 तारीख को, 7 जून को। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख 10 जून। राज्य निर्वाचन आयोग की पीसी के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई है। पंचायत चुनाव में मेगा जीत के लिए भाजपा ने प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण निकाय और स्थानीय चुनाव की दृष्टि से हमारा नेतृत्व संकल्पित होकर लड़ेगा और इसके साथ ही पीडी शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा किया। हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते, तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूं और मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी पंचायत में सरपंच का निर्वाचन अगर निर्विरोध संपन्न होता है तो उस पंचायत को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जहां सरपंच सहित सभी पंच महिला निर्वाचित होंगी उनको 12 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महाविजय के लिए शंख फूंक दिया है। उधर कांग्रेस भी पंचायत चुनाव को 2023 से पहले का सेमीफाइनल मानकर मैदान में उतरने की योजना बना रही है। हालांकि कांग्रेस में बैठकों का दौर तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव से पहले हो रहे पंचायत चुनाव को कांग्रेस नेता बीजेपी का डर बता रहे हैं। साथ ही ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी पंचायत चुनाव के परिणामों के आधार पर निकाय चुनाव की तैयारी करेगी। हालांकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने चुनाव कराने की भी बात कही। बहुत दोषपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं तो अपील यही करूंगा कि अब इसको अदालत के अंदर डालने के बजाय जनता के बीच में जाना चाहिए। हालांकि बहुत दोषपूर्ण आरक्षण की शिकायतें हमारे पास सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी असत्य है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय थे, उन्होंने अपने एक सर्कुलर पारित किया, आदेश दिया था कि जो पंचायतें निर्भर होंगी उनको हम 5 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता देंगे। उसी जो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जो घोषणा थी, जो आदेश था, उसी का पालन करें। अलग से उन्होंने केवल बाय बाय लूटने के लिए अपनी नाम देने की घोषणा कर रहे हैं निर्विरोध को। जाहिर है कि करीब 8 साल बाद सूबे में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हालांकि पंचायत चुनाव में दल तो नहीं होते, लेकिन प्रत्याशियों को दलों का सपोर्ट जरूर रहता है। इसलिए इस चुनाव को कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी 2023 विधानसभा चुनाव के सेमी फाइनल के रूप में देख रही है। बहरहाल पंचायत राज में किसका राज होता है और किससे जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा, ये वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राजनीतिक दलों के बीच शुरू हुई इस पंचायत पर हम पंचायत शुरू करें, उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं उन मेहमानों से जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से हैं देवाशीष जरारिया हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चेतन सिंह हैं जो बीजेपी नेता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक अच्छी पहल की है शिवराज जी ने समरस पंचायत बनाने की, हालांकि उस पर दोनों ही राजनीतिक दलों का अपना अपना दावा है, लेकिन ये जो प्रयोग किया जा रहा है, हम देखते हैं कि पंचायतों में किस तरह से मतभेद जो होते हैं मनभेद में बदल जाते हैं, रंजिशें हो जाती हैं और गंभीर अपराध के परिणाम भी हम देखते हैं आगे जाकर। तो क्या इससे ऐसी समरस पंचायतों का जो सपना है जो सीएम ने देखा है वो साकार होते देख रहे हैं आप, या दोषपूर्ण लोग आगे आ जाएंगे जो जनसेवक के रूप में पात्र लोग हैं वो आगे आ पाएंगे? सभी को सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि गांव में अच्छे लोग आए, और जो पंच परमेश्वर की अवधारणा थी वो ग्राम पंचायतों के लिए थी। आपने हमने पढ़ी है कहानी जुम्मन सिंह चौधरी की, तब वो कहता था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। तो आज गांव-गांव में जो स्थिति है, सब लोगों को मिलकर अच्छे आदमी को चुनना चाहिए जो समाज गांव देश के काम आए, गांव की जो बुनियादी समस्याएं उनके लिए निराकरण करें। समरसता का वातावरण, यदि हमारे गांव में गांव प्रधान भारत देश है, गांव में भी समरसता बन गई तो फिर वो समरसता पूरे देश में बन जाएगी, क्योंकि गांव से ही जो वातावरण बनता है वही पूरे देश में बनता है। और वैसे भी लोकतंत्र की पहली इकाई होती है पंचायत चुनाव, पहली इकाई है, छोटी इकाई है। बिल्कुल, ये जो बुनियाद है ये बिल्कुल चौकसी जी। और यदि इससे जो नेतृत्व कई सरपंच विधायक बाद में सांसद ही बने हैं, तो ये जो गांव है, गांव तो यही पूरा इकाई, आप उसको केंद्र मानो देश की, कि उस केंद्र में यदि समरसता आ गई तो पूरे देश में आ जाएगी। बहुत हो चुका है जाति और धर्म का ये सब ढिंडोरा, गांव में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। गांव में बहुत आम राय से सहमति से जो अच्छा व्यक्ति है, जो समय दे सकता है, जो सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, उसको सरपंच बना देते थे। और पहले थोड़ा ये भी था कि पहले पैसा बहुत कम आता था कांजी हाउस में थोड़ा बहुत, अब विधायक निधि, सांसद निधि और इतनी राशि आती है, मनरेगा की राशि आती है कि अब इसमें मारकाट होती है। और पंचायत चुनाव के झगड़े सालों साल चलते हैं इसमें, और बहुत बेमनस्यता पड़ जाती है। कई जो आदमी आज भी सज्जन है वो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि अब चुनाव आ गया, अब ये लड़ाई झगड़ा होगा, हम किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं। तो मुझे लगता है कि
अभी भी मौका है, ये 7 साल बाद चुनाव हो रहा है, वैसे तो 5 साल में हो जाना चाहिए, लेकिन 2 साल कोरोना और भी परिस्थितियां बनती रही, कभी आरक्षण कभी कुछ, तो अब जो चुनाव हो रहे हैं वो हम बहुत आधुनिक समाज में आ गए, बहुत हमारी नई पीढ़ी बहुत अच्छा चिंतन करती सोचती है, गांव में इतने प्रयोग किए जा सकते हैं चौकसे जी, पानी रोको अभियान के भी, और जो सब्जी आज हम सब्जियां और फल फ्रूट जो खा के परेशान है केमिकल वाली, गांव में खाद होता है देसी खाद गाय रहती है, तो वहां से फूड कलेक्ट किया जाए, वहां से फल सब्जियां शहर में आए, और एक करने को बहुत कुछ है पंचायतों में, लेकिन जो आपने कहा है कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए, देवाशीष जी सामूहिक प्रयास होना चाहिए, अच्छी पहल है, तारीफ करना चाहिए। यदि गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जब दिग्विजय सिंह सीएम थे 5 लाख का ऐलान उन्होंने किया था निर्विरोध पंचायत में सरपंच चुने जाने पर, तो आपकी लाइन तो आगे बढ़ा रहे हैं शिवराज जी, अच्छा काम कर रहे हैं, लाइन तो खत्म नहीं कर रहे हैं, मिटा तो नहीं रहे, उसी को आगे बढ़ा है, तो इसमें भी तारीफ, इसमें भी सियासत क्यों नहीं? देवासी जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं देवाशीष जी? आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, म्यूट है शायद ऑडियो, एक बार चेक कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे जुड़ने की, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरह से प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जा सकता है। चेतन जी, कांग्रेस तो सियासत कर रही, गोविंद सिंह जी तो कह ही रहे हैं कि आपने कोई नई बात नहीं की है, आप असत्य बोल रहे हैं, सिर्फ झूठी बाबाई ले रहे हैं, एक चीज़ ये हो गई। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं लाख खोट है आपके आरक्षण में भी, लेकिन मजबूरी है क्यों कोर्ट नहीं जाएंगे, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पंचायत चुनाव का, अब जाकर तो हो रहे हैं, उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएंगे, तो दोषपूर्ण आरक्षण भी है आपका और झूठी बाबाई भी लूट रहे हैं। दरअसल चौकसे जी, दिग्विजय सिंह का दिल दिमाग पर छाया हुआ डर जमा पर आकर के बोल रहा है। दिग्विजय सिंह जी को पता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो दाव पे चले थे वो सारे के सारे दाव पे सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गए, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बातें रखी थी उन बातों को न्यायालय ने अपनी मोहर लगा करके मान्यता प्रदान की है। गोविंद सिंह जी किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं? अगर दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की यह योजना अगर इतनी सार्थक थी तो 16 महीने की सरकार में एक बार आप लोग भी तो पूछा करो इनसे कि 16 महीने आप भी सरकार में मंत्री थे, अगर ये योजना दिग्विजय सिंह जी की अच्छी थी तो आपने इस योजना का पालन क्यों नहीं किया? मगर कई बार ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेसी कहते हैं ये अच्छा है, आप लोग हम लोगों से पूछ लेते हो, हम तो देंगे जवाब क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम तो हर बात का जवाब देने को तैयार है, लेकिन जो लोग इन बातों को इग्नोर करके हम पर टालने की कोशिश करते हैं एक बार इनसे भी हमको पूछना चाहिए। चौकसे जी, 16 महीने कम नहीं होते किसी भी अच्छी योजना को लागू करने के लिए, क्या 16 महीने की सरकार में आपने केवल चंदा उगाई का धन उगाई का काम करने के लिए सरकार चलाई थी? इस मध्य प्रदेश के लोगों को रसातल में डाल दिया था, मध्य प्रदेश की संबल योजना को बंद करके आपने बिल्कुल गोदरेज के ताले में लॉक करके रख दिया था कि अब तो 5 साल हमको लूटना है, खाना है, बर्बाद करना है। इस मध्य प्रदेश की गरीब जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, ये वक्त का पहिया है ईश्वर की। लेकिन वो ये कह रहे हैं चेतन जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस डरी हुई है, वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए हो तब जाकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतों पर कब्जा हो जाए, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो गेम किया है उसके पीछे भी आपकी कोशिश है कि धन बल मशीनरी से और प्रभाव से ज्यादा नगर पालिकाओं पर पंचायतों पर कब्जा कर सकूं, ये भी गोविंद सिंह जी का बयान है। गोविंद सिंह जी हुआ करते थे तो दिग्विजय सिंह जी ने ही सेक्ट को ला करके लागू किया था, वो दिग्विजय सिंह जी ने कोई गुनाह किया था तो कम से कम एक बार उनसे भी पूछ लेते। आखिर सच स्वीकार करने में इतनी परेशानी क्यों है कांग्रेस के लोगों को? एक ही बार तो कहना है, अगर ये आप 20 साल 40 साल के बाद बात करके कहते हो नहीं गलती हो गई तो एक बार इस पर भी कह दो ना गलती हो गई। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है, डर किसके लिए? डर सिर पर चढ़ करके भूत की तरह बोल रहा है ना, ये डर उन लोगों को है। भारतीय जनता पार्टी को जनता पर, जनता के दिए हुए जनादेश पर पूरा भरोसा है। मैं मेरे मित्र देवदत्त जी की बात पर आता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर किसी पंचायत में अगर आपसी अगर पंचायत चुप करती है अगर उसको हम प्रोत्साहन राशि देते तो अच्छी परंपरा अच्छी शुरुआत है। और ये बात भी उन्होंने सच की है कि इसके मन मुटाव जो है
ये लंबे समय तक बने रहते हैं और कई बार इसके दुष्परिणाम भी हम सबको उसका विरोध नहीं कर रही ना कांग्रेस, वो तो ये कह रही है कि बोतल तो पुरानी है। बोतल पुरानी है, अगर बोतल अच्छी थी तो उस बोतल अच्छी की तारीफ तो कर देते, 16 महीने में अगर आपकी सरकार थी तो आप फिर से एक बार उसको जिंदा कर देते, उस जिन्न में जो बोतल में बंद था उसको निकाल करके बता देते। नहीं नहीं देवासी जी भी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। देवासी जी अच्छा प्रयोग है आपकी जो लाइन थी, यदि आपने 5 लाख का ऐलान किया था, पहले भी निर्विरोध पंचायतों में जीत दी जाती थी राशि, उसी को आगे बढ़ाया, 3 अन्य पुरस्कारों की भी घोषणा की, लेकिन इसमें भी आपको राजनीति दिख रही। जो दिव्य जी कह रहे थे वही चेतन जी कह रहे हैं, सामूहिक प्रयास होना चाहिए ताकि समरस पंचायतें बन सके। देवासी जी आपका हेडफोन निकाल दीजिए, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम है। वहां से नहीं, मोबाइल से निकालना पड़ेगा आपको। देवासी जी चलिए उनसे संपर्क टूट गया है। दुबे जी सियासत तो चल रही है, लेकिन भले ही कांग्रेस ने ये घोषणा की हो, पहले की हो, पहले भी हमने देखा है कि पंचायतों को दिया जा रहा था, लेकिन एक खास चीज और है इस बार कि महिलाओं के निर्विरोध निर्वाचन पर भी राशि दी जाएगी और 3 पुरस्कार भी दिए जाएंगे, 15 से लेकर 50 लाख तक का, कि यदि आप जलपूर्ति में अच्छे हैं, आप आत्मनिर्भर पंचायत है, तो ये पुरस्कार भी कुछ मायने रखेंगे, पंचायतें बाकी में बदली हुई दिखेंगी। ये बिल्कुल रखना चाहिए, इसको मायने और इसके असर दिखेंगे, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पंचायत आर्थिक रूप से मजबूत होगी और पंचायत अपने मनमाफे काम जो गांव में जरूरत के काम है, चाहे वो पानी रोको के हो, कोई और काम ग्राम पंचायत भवन का और सड़क का कोई भी काम है वो करवा सकती है, और दूसरा सामाजिक समरसता का वातावरण ही बनेगा। ये बहुत जरूरी हो गया है ब्रजेश जी आज के समय में, कि जिस तरह की सियासी मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ दुबे जी, मैं जानता हूँ कि किस तरह से पंचायत चुनावों ने गाँव को जो भाईचारा था, जो मिलजुल कर जो कार्यक्रम करते थे, उनको किस तरह से मतलब खाई पैदा कर दिए। बिल्कुल, जो गांव में रहा है ना वही समझता है, पहले कि गांव में कोई शादी होती थी तो बाहर से कोई टेंट या वो डेकोरेशन या वो वाला नहीं आता था, खाना बनाने वाला, हर घर से बर्तन आ जाते थे और उन्हीं बर्तनों में खाना बनता था, उन्हीं में खा के और फिर वापस पहुंच जाते थे। पूरा गांव यदि शादी होती थी तो पूरा गांव एक परिवार का वो मान के चलता था। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शादी हो, चाहे दुख का माहौल हो, किसी भी कार्यक्रम में सब एकजुट एक ताकत बन के रहते थे, लेकिन ये पंचायत चुनाव में जिस तरह से खाई पैदा की है वो आज तक नहीं पट पाई, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो ये कहा जाता ना राजनीति तोड़ने का काम ज्यादा करती है सियासत। गांव यहाँ देखो, आप किसी के फ्यूनर होना हो तो दो जन पहले निकल जाते कि वहाँ 3 क्विंटल 4 क्विंटल लकड़ी का इंतजाम करना। बिल्कुल, गांव में यदि कोई व्यक्ति मृत होता है तो हर घर से एक एक दो दो लकड़ी लेके जाते हैं सब लोग, और अंतिम संस्कार का पूरा लकड़ी वहाँ इकट्ठा हो जाता है और काम हो जाता है। ऐसे बहुत अच्छे प्रयोग है गाँव में, गाँव में जो प्रयोग इतने और भी अच्छे किए जा सकते हैं, जैसे गोबर गैस संयंत्र है, गोबर गैस संयंत्र लगा के पूरे गांव में वो किया जा सकता है प्रयोग, पानी का प्रयोग, सब्जी का, फल, अच्छी फसल का और अच्छे सामाजिक वातावरण का, जिसकी आज बहुत जरूरत है। राजनीति ने जिस तरह से जातियों को उपजातियों में धर्म में बांटा है, उसको एक सूत्र में यदि कोई बांधता है तो वो गाँव बांधता है, और गाँव यदि मैं फिर कहूंगा एक गाँव प्रधान देश है, यदि गाँव हमारी समृद्ध और स्वच्छ है और एक तरह सामाजिक समरस हो गए तो फिर देश तो अपना देश इसी के लिए जाना जाता, अपनी संस्कृति यही है, और हम फिर उस पथ पर बहुत हाईवे पे पहुंच जाएंगे, और जो छोटी इकाई मजबूत होगी ये न्यू कहलाती है देश की, ये सही हो गया तो हम सब कुछ फिर सही कर लेंगे। लेकिन दुबे जी सिर्फ क्या पुरस्कारों की घोषणा कर देने भर से इसको लागू कर सकते हैं, जो समरसता की हम जो बात कर रहे हैं, जो समरस पंचायतों की बात कर रहे हैं, जो खाई बनी हुई उसको पटाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई फुल प्रूफ एक कोई रणनीति या कोई सिस्टम बनाना चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों का चयन कर सके कि जो वाकई में जनसेवा करना चाहते हैं? इसके लिए थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, तेरे मेरे से ऊपर उठना पड़ेगा, और एक अच्छे आदमी का चयन करने के लिए सभी जन को एक साथ बिठाल के पंचायत भवन में, मंदिर प्रांगण में, और एक साथ मैं कहता हूँ कई मैंने ऐसे प्रयोग देखे हैं कि जहाँ 3-4 दावेदार थे उनने पर्ची डाल दी और किसी कन्या से एक पर्ची उठा दी, जो 3-4 अच्छे लोग थे उनमें से जिसकी पर्ची आ गई वो सरपंच बन गया, तो इसके लिए बहुत। लेकिन हमने ऐसे प्रयोग भी देखे हैं कि पिछली बार जब चुनाव का ऐलान हुआ था
तो एक सरपंच दावेदार ने सबसे ज्यादा राशि मंदिर में दान करने का कहा तो उसको सरपंच चुन लिया गया, तो ये भी तो एक बुराई है ना। आप सिर्फ पैसे के आधार पर बन आर्थिक प्रतिस्पर्धा जहां बढ़ेगी वो बुराई पैदा करेगी। ठीक है, बुराइयां तो बहुत है, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवाशीष जी भी, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। लेकिन प्रयोग तो अच्छा है, मुझे लगता है अब आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी देवाशीष जी। देवाशीष जी, अच्छा प्रयोग है, आपने शुरू किया था, उन्होंने उसको और आगे बढ़ा दिया, 3 पुरस्कार की भी घोषणा कर दी, उसमें भी आपको सियासत दिख रही है, जो सामूहिक रूप से आपको भी प्रयास करना चाहिए कि गांव में जो खाइयां बन गई हैं उसको किस तरह से पाटा जा सके। चेतन जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 16 महीने में आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 18 साल सरकार को हो गए, अगर दिग्विजय सिंह जी की नीति उनको पसंद आई है, उसको लागू करना चाहते तो अब चौथे चुनाव में आके क्यों? इससे पहले भी 3 पंचायत के चुनाव उनके राज में हो चुके हैं, और उससे पहले अगर उनको वो योजना अच्छी लगी तो उस समय भी ला सकते थे। फिर जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब 5 लाख का इनाम घोषित था, तब से लेकर आज तक महंगाई कितनी बढ़ गई है, चुनावी खर्चे कितने बढ़ गए हैं, पंचायतों का बजट कितना बढ़ गया है, वो आपको प्रैक्टिकल रूप से ये देखना होगा क्या जो आप राशि घोषित कर रहे हो वह चुनाव का जो खर्चा है जो और चुनाव से जो लाभ होता है। पंचायतों के चुनाव में इतना इंटरेस्ट लोगों का इसलिए हो गया है कि जैसा कि आपने पहले बोला था चौकसे जी कि पंचायतों में फंड बहुत बढ़ गया है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है पंचायतों में, तो उससे जो कमाई होती है उसको लेकर एक बड़ा स्तर का चुनाव पंचायतों का चुनाव हम देखने लग गए हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार देखिए ना देवाशीष जी, यदि निर्विरोध पंच चुना जाएगा, सरपंच चुना जाएगा, महिला उम्मीदवार चुनी जाएंगी तो फिर भ्रष्टाचार नहीं होगा ना, उसको ना खर्चा करना पड़ेगा, तो ये भी तो एक अच्छी पहल है ना। निर्विरोध चुनेगा आदमी तो जब खर्च नहीं करेगा तो वसूली कहाँ से करेगा, वो थोड़ा ईमानदारी से काम करेगा तो सुधार की दिशा में कदम तो है। 5 लाख रुपए में कौन निर्विरोध चुन रहा है, ये आप और मैं बेहतर रूप से जानते हैं, आप भी गाँव से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी गाँव से ताल्लुक रखता हूँ, हमें पता है कि पंचायत के जो चुनाव है उसमें एक सरपंची का अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जनरल सीट है और उस पर कोई मजबूत लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो खर्चा कितने आगे तक जाता है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, ये पहल का आप ना खारिज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिग्विजय जी की थी अच्छी है आगे बढ़ाना चाहिए। अगर पहल कर रहे हैं तो उसको और प्रैक्टिकल होना चाहिए थे, उसको प्रैक्टिकल रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, और साथ ही साथ ये कहना कि हमने कर दिया, अगर आपकी पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उनका श्रेय उनको भी देना चाहिए। तो श्रेय देने से कौन मना कर रहा है, आपको तो हर चीज में खोट दिख रहा है, पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर सवाल उठाते हैं जबकि आप खुद इनडायरेक्ट से कराना चाहते थे, और जब वो कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ये पंचायतों पर और नगरीय निकायों पर नगर पालिकाओं पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से करा रहे हैं, 2 पद्धति से करा रहे हैं, लेकिन उसी पद्धति की आप वकालत कर रहे थे बाकायदा। देखिए इससे पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती रही है और वो प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव कराएगी, कांग्रेस की नीति रही है क्योंकि कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष नीति से इलेक्शन कराए, ये कांग्रेस की नीति रही है, लेकिन उसके बाद अब आपने प्रत्यक्ष भी कर लिया और अप्रत्यक्ष भी कर लिया, यानी चिट भी मेरी और पट भी मेरी, हम अगर जहां जीत सकते हैं खुश होना चाहिए, आपकी नीति अपना ली उन्होंने आधी, ज्यादा अच्छी होगी ना, जब आप अच्छी मानते हो तो उन्होंने सोचा होगा कि ये भी करके देख लेते ज्यादा अच्छी है। अगर ये हमारे हिसाब से अच्छा करना चाह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घोषणा पत्र आपका लागू नहीं कर सकते ना, लेकिन अच्छा होगा वही करेंगे। राजनीति में कोई दल दूसरे की जीतने की परिकल्पना करता है या खुद की जीतने की चीजों को साकार करना चाहता है। चलिए बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सके, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो राजनीतिक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं जो पंचायतें, जो मकड़जाल हो चुका है, उसको साफ करने के लिए पहल तो शिवराज जी ने अच्छी की है, लेकिन ये साकार हो जाए तो निश्चित तौर पर गाँव में जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह के पंचायत चुनाव हो गए हैं कि मतभेद से मनभेद पर आ गए हैं और आगे जाकर वो एक गंभीर अपराध तक में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम देखते हैं कि कई बार हत्याएं तक हो जाती हैं पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर। तो इस रंजिश को दूर करने की जो पहल की है, जो प्रयास किया है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन अच्छी तरीके से वो लागू हो इसके लिए एक कोई रणनीति होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि अच्छे लोग जो जनसेवा करना चाहते हैं वही लोग चुनकर आ सकें, ना कि धन बल और बाहुबल की वजह से कोई आगे बढ़ जाए इसका लाभ उठाने के लिए। लेकिन मुद्दा तो है, मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।